पूर्णिया सीजीएम श्यामल किशोर के निर्देश पर श्रीनगर प्रखंड के अंचलाधिकारी विद्यानंद झा एवं पूर्णिया डीसीएलआर परमानंद साह पर एक मरतबा फिर से पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा पूर्णिया के मुफस्सिल थाना में दर्ज किया गया है, जिसका कांड संख्या 1039-23 है। इस मुकदमा में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें भूदान मंत्री हरेंद्र कुमार वर्मा, श्रीनगर का सीओ विद्यानंद झा, डीसीएलआर परमानंद साह एवं अन्य 3 पवन कुमार, श्यामवती देवी एवं समिया देवी शामिल हैं। सभी पर सीजीएम श्यामल किशोर के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 420, 467, 468, 469, 471 और 120B लगाया गया है। इस संदर्भ में आवेदिका फुलिया देवी एवं उनके पुत्र ने बताया कि उन लोगों ने ही इन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया है, क्योंकि उनकी भूदान की जमीन की बंदोबस्ती गलत तरीके से पवन कुमार, श्यामवती देवी और सामिया देवी के नाम से कर दिया गया है। करीब 3 एकड़ जमीन उनके नाम से पहले से थी, जिसका रसीद भी 2020 तक का उसके पास है। इसके बावजूद जमाबंदी में फेरबदल कर दिया गया और शिकायत करने पर पहले तो सीओ साहब ने उन्हें बरगला कर रखा और बाद में दफ्तर से डांट डपट कर भगा दिया। उसके बाद उन्होंने न्यायालय का शरण लिया और न्यायालय ने मामला की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके बाद मुफस्सिल थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। फुलिया देवी श्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरैया रेखा की रहने वाली है, जबकि पवन कुमार, श्यामवती देवी और सौम्या देवी भी चिरैया रेखा और आसपास के रहने वाले हैं। चूंकि कागजात में हेरफेर मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्वोदय आश्रम स्थित कार्यालय में किया गया था, इसीलिए प्राथमिकी मुफस्सिल थाना में दर्ज की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी एक दूसरे मामले में श्रीनगर का सीओ और पूर्णिया डीसीएलआर पर श्रीनगर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी जांच की जा रही है और यह दूसरा मामला सीओ साहब और डीसीएलआर पर दर्ज हुआ है। इस संदर्भ में फुलिया देवी के अधिवक्ता ने बताया कि इन संगीन धाराओं में आजीवन कारावास तक सजा होने का प्रावधान है और उन्हें पूरा यकीन है कि सभी आरोपी कोर्ट में निश्चित रूप से दोषी साबित होंगे। बहरहाल पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है और न्यायालय के फैसले के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन इस मामले में कितना दोषी है। किस पर मुकदमा कर दिए आप? हरिंदर वर्मा। हरिंदर वर्मा पर? और किसी पर किए हैं? डीसीएलआर। और कोई है? सीओ साहब श्रीनगर। श्रीनगर का सीओ साहब पे? हाँ। और कौन है उसमें? तो 6 आदमी का नाम है, और के सब किस पे किए हैं? श्यामवती देवी। हाँ। और कोई है? समिया देवी। अच्छा, समिया देवी है। हाँ। पवन कुमार। अच्छा, 6 आदमी पे सब पे केस किए हैं। हाँ। तो डीसीएलआर साहब पर, सीओ साहब पर, ये लोग पर काहे केस कर दिए? हमरा जमीन बलजोड़ी वो सब घर बनाए थे, घर तोड़े नहीं थे तो घर पर केस कर लिए। तो घर घर के बलजोड़ी बना लिया है? वो है पवन कुमार, समिया देवी, श्यामवती देवी। तो वो लोग तो बना लिया है, तो सीओ साहब पर केस काहे कर दिए? सीओ साहब चेक फेक नहीं सर किया और हमरे बिना देखे सुने मेरा जमीन के कागज बना दिया, मोहर मार दिया। ओ, आपका जमीन पहले से कागज था ना आपको जमीन का? हाँ, बहुत 90 साल तक के। अच्छा, तो आपका कागज था? हाँ, कागज। कागज दूसरे के नाम से बना दिया? दूसरे के नाम से। तो आप बोले ना कि मेरा सब कुछ किया हुआ है, तो आप दूसरे के नाम पे? हाँ, 10 बेरी के लिए कलिए जी हमारे आवेदन दे लिए। अच्छा, आवेदन पर कलिए जे तो हमारे जमीन के कागज नहीं बनेगा तो चाची नहीं बनेगी, लेकिन हमरा से छल करके बना दिल। अच्छा, छल करके बना दिल के? हाँ, छल करके बना। दोसर पार्टी के वो चेक फेक कुछ नहीं कल के, देख रेख कुछ नहीं, पैसा के लोभ पर आखिर मोहब्बत के रोक पर अपने कर दिल के, हमारे जमीन के काट के ओकरा नाम पर चढ़ा दिल के, समिया देवी पर, श्यामवती देवी पर, पवन कुमार पर। ये खेत में हम गलिए तो हमारा खेत में कपार फोड़ दिल के, तो हम 5 दिन सदर में हॉस्पिटल में हम बैठा के 3 नर्स से हाथ तोड़ दिल के, तो 5 दिन हम श्रीनगर सदर हॉस्पिटल में भी कमेट गए। तो ये हाथ के तोड़ने रहे मार के? हाथ तोड़ने रहे मार के, और पवन कुमार मारने रहे और चनीला गुलाबचंद महतो मारने रहे। अच्छा, तो ये सबसे मारपीट भाग गए? हाँ। तो वो मतलब सीओ साहब और उरा कागज बना दल के? कागज हम दुकान से आ रही है, रास्ते में हमरा मार के घोलटा दल के, कपार फोड़ दल के, और तेल रहे, चीनी रहे, चप्पल नजर रहे, सब ला लल के हम
वहाँ हमारे नहीं बैठा रहे न कोई रहे। तो सीओ साहब का आपने आपने पूछ लो ने कि क्या बना दलिए उकर कागज हमारे जब जमीन रहते डांट के भगा दिलके हमरा सीओ साहब। सीओ साहब हमरा डांट के भगेलके की कहलके कहलके भागो इठा से नहीं हमरा सको ये सब बोझा तो जहाँ हम नहीं उठाबे छिए ये जमीन हमरा दस्तखत करे के छाप करे के लूर नहीं छे इस भूमिदान वाला जमीन छे से अमर छे आ हमरा ये बात कह के कागज बना दे रसीद काट दल के सब चीज कर तो पलुका वाला कागज छे ना अपने के पास में। हां छे कागज हमरे रसीद अभी तक कट तो उकरे आधार पर केस करने छिए। हां हमर 3 एकड़ के रसीद भी कट रहल छे फिर भी हमरा जमीन में चढ़ेला नहीं दे छे। ओ रसीद अपने कटिए रहल छे। हां कट रहल छे हमरा जमीन 3 एकड़ के 3 एकड़ कटिए रहल छे आइयो काल में कटे लिए फिर भी वो जमीन के पार्टी बोले छे गुलाबचंद महतो जे हमरा जमीन है हम नहीं छोड़ेंगे। तो ई कौन सीओ के बात करे छी जे अभी छे वैसा है कि ने बहुत पहले वाला नहीं ये है ये विद्यानंद झा ओ ये है। हां आई दिसलार साहब दिसलाल साहब भी जे या अभी छे वा हां भी जे छे वहां वा है परमानंद साहब। ओ एकरे सबसे मतलब उकरो पास में गेल रहिए डिसलार सबसे की दिक्कत भए गेले अपने के की दिक्कत भेले भगवान जाने हम त नहीं जान लिए हम पैसा खा के उल्टा रिपोर्ट लिख दल के हम डिसलार लंग खुद गेलिए कल के चाची हमरा उके नहीं हेते तोर जमीन बहुत पुराना छे लेकिन पैसा खाए करके हमर कागज के वैल्यू नहीं दल के ओकर कागज के वैल्यू दे दल ओ अपने कागज के वैल्यू नहीं दलके नहीं दलके ओकर 2020 के कागज के वैल्यू दे दलके ओ 2018 के कागज के वैल्यू दे दलके तो अपने के लागे छै कि सब मिलल छै ने। हां ओ सब मिलल छै ओते से केस कर देलिए अपने। हां रात के सर घर बनेलके अच्छा हमर घर से तनके हटल छै। चाची की नाम भेले अपने के? हमर नाम भेले फुलिया देवी। अपने ने केस करने छियै? हम ही कहने छियै अपने करने छियै। घर कतय भेले अपने के? मलिनिया काम चिरैया रहका चिरैया रहका। तोहर तोहर की नाम छियो? छोटे लाल मा। छोटे लाल मा तो के भेलो तोहर? माय माय भेलो। घर वाला नहीं छे तो जमीन पर जी छो ना खेती बाड़ी के करे छो? अभी हम ही करे छी खेती बाड़ी। तू ही करे छी? हां। और कागज बन गेलो ओकर नाम से दूसरा के नाम से? हां जबकि हम बहुत दिन से खेत हमर ददे के मिलले ददो हमर गुजर गेले फिर 2020 में हमर बाबू मरले तो वहा जमीन में बाबू के हम जरीले छी आ तब तक कोई बात नहीं आ ये जे छे फर्जी कागज ये भूदान मंत्री अभी वर्तमान में छे ये और हरिंदर वर्मा दोनों मिल करके जबकि कागज बनल के 2022 में और डेट मार दल के 2018 के अच्छा फर्जी काम कर लक है और जब हमरा सब जाए छे ना वहाँ तो हमारे डांट तो के भगावे छे कहे छे भागो यहाँ से तोरा आर के हम नहीं जाने छे नहीं जांच कर लके नहीं और कुछ हो आ ओकरा जमीन के कागज बना दिलके पैसा लेलके अनाप शनाप डकैती के रूप में पैसा ला करके हमरा सब पर मार करवाबे छे। कते जमीन छो तोरा सब? हमरा दादा के मिलल रहे 3 एकड़ जमीन। ओ तो 3 एकड़ के सबका कागज बना दे कुछ ओकरा में बचल छो? बचल छे 14-14 डिसमिल काय करके 3 आदमी के नाम से बना दिलके कागज। अच्छा ओकरे में झगड़ा भए रहल छे? हां ओकरे आ खेत पर भी हमरा चढ़े ल अभी नहीं जा रहा। डिसलार साहब के पास में सीओ के पास में इकर साहब मम्मी के साथ में तू भी गेल रही? हां गेल तो कहली तो की बोलो सब? वो सब तो डांट ले छे सीओ साहब जे छे ना। हां जाय छिए ना तो गेट भी घुसे नहीं दे छे बहुत कस के डपटे छे कहे छे भागो यहां से हम तुम्हारा निकाल लिए हैं आ वो स जाय छे तो वो सब के कुर्सी पर बैठाबे छे बगल में बैठे छे हंस हंस के बात करे छे आ वो सब से बढ़िया मेलजोल रखे छे हमरा आर के डांट धोप के भगाए दे छे। अडिसला साहब के पास गेली त डीसी वाला साहब वही काम कर लके डीसी वाला साहब के यहां केस चलेत रहे त कहल के जे नहीं जिसका पुराना कागज है उसी का जमीन होगा। मुकदमा दर्ज हुआ है श्रीनगर के अंचलाधिकारी हैं विजयानंद झा भूदान मंत्री हैं तत्कालीन भूदान मंत्री हरेंद्र प्रसाद वर्मा और पूर्णिया सदर के DCLR साहब परमानंद साहब। मामला इसमें कुछ जाकर बता दें यह केस दर्ज करवाने वाली कुलिया देवी का कहना है कि इनके ससुर को वर्ष 1998 में भूदान से जमीन मिला था उसका प्रमाण पत्र है भूदान मंत्री जमीन दिए थे हरेंद्र प्रसाद वर्मा उस जमीन पर लोग मोटिशन करवाए जोतवाद कर रहा है
2018 में इन लोगों को जानकारी मिली कि यह तीन अन्य लोगों का जो नाम इस केस में है, पवन, श्यामवती देवी और समय देवी, समिया देवी, यह लोग उसी जमीन का, इन्हीं के जमीन का, फुलिया देवी के जमीन का बंदोबस्त कर गोदान से जमीन पर्चा बनवाने वाला है। तो इस संबंध में एक आवेदन लिखी और सीओ से सरपंच और मुखिया जी से रिकमेंड करवा करके वो प्रधानमंत्री को भेजा, बावजूद इसके प्रधानमंत्री इन तीनों के नाम से उसी जमीन का प्रमाणा निर्गत कर दिया, पर्चा निर्गत कर दिया, जो जमीन वर्ष 1998 में फुलिया देवी के ससुर के लिए, और वहाँ विवाद खड़ा हो गया, जो नया पर्चाधारी हो गया भुदान का, और वो लोग इसके साथ मारपीट किया, कुछ जमीन पर से इनको बेदखल कर दिया, ये म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया अंचल में, ये लोग जाके सीओ साहब को बोला कि सर उसी जमीन का म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया है, पर्चा बनवाया है भुदान से, जो जमीन वर्ष 2058 में हमको मिला था, और हमारे पर्चा को बिना निर्गत किए इन लोगों के नाम से पर्चा बन गया, इसीलिए सर आदेश करने के पहले एक बार जांच कर लिया जाए। सीओ साहब का कहना हुआ, ये विद्यालय झा जी का, यह देखना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं, हमारे पास जैसा जो होगा कर देंगे, तुम यदि एग्रीव होगा तो तुम ऊपर जाना, वही हुआ, कर दिया उनके नाम से 18 में जिसके नाम से पर्चा बना उस जमीन का फर्जी, उसके नाम से कर दिया, उस जमीन से इसको जो बेदखल कर दिया था, इसके लिए DCLR साहब के यहाँ केस किया, DLRD एक्ट के तहत, उनको भी सारी बात बताया, इनके अधिवक्ता साहब जो है सर उनको भी सारी बात बताया कि सर आप अपने स्तर से सारा दस्तावेज को जांच लीजिए, सर जो जमीन हमको मिला था भुदान के द्वारा उसी जमीन पर पर्चा हो प्रधानमंत्री फिर दूसरे को दे दिया बिना निरस्त किए, सर आप एक बार देख लीजिए, वहाँ भी कुछ नहीं सुना, वो भी कर दिया, अलाउ कर दिया, इनको इनके आवेदन को खारिज कर दिया। इस बात को लेकर के ये जो है सो जिन तीन लोगों को वर्ष 2018 में इनकी ज़मीन का पर्चा दिया गया उनको पार्टी बनाया है, भुदान मंत्री को पार्टी बनाई है फुलिया देवी, जिस सीओ साहब को पार्टी बनाया श्रीनगर सीओ साहब है विद्यालय झा जी, परमानंद जी को पार्टी, और ये सब पर मुकदमा दर्ज हो गया। हाँ, केस दर्ज हो गया, कंप्लेंट केस दर्ज हुआ है, केस ये CGM साहब के यहाँ फाइल की, CGM साहब के सारी बात को रखी, सब बात को सुने CGM साहब, कहे कि नहीं इसमें वास्तव में अनुसंधान की आवश्यकता है, और केस नंबर अभियोग बात संख्या 2951/23 है, उसको सदर थाना उसको भेजा गया, वहाँ पर रजिस्टर हो गया, मुफसिल उसी के अंदर आता है, सदर मुफसिल में, क्योंकि इशू तो वहीं से हुआ था, फर्जी प्रकार जो परवाना इशू हुआ कि भुदान प्रमाण पत्र वहीं से इशू हुआ था, रानी पत्रा में कार्यालय है, इसलिए वहाँ केस रजिस्टर्ड हो गया, अब अनुसंधान हो रही है। इसमें CEO DCLR साहब और जो भुदान मंत्री है वो, हाँ, टोटल कितने लोग आरोपी हैं? टोटल लोग आरोपी हैं, तीन छः वाले। धारा क्या सब लगा है इसमें सर? इसमें है 420, 467, 468, 469, 471 और 120B। क्योंकि 120B इसलिए लगा दिया गया कि ये तीन व्यक्ति जो प्रमाणधारी हैं, पर्चाधारी हैं, इन्हीं के कंस्पिरेसी में आकर के इन्हीं को लाभ पहुंचाने के लिए ये तीनों व्यक्ति इनके षड्यंत्र में शामिल हुए, प्रधानमंत्री पर्चा इशू कर दिया, सीओ साहब मोटिशन कर दिए, जिसके अलावा इनके केस। अच्छा सर, ये बताइए कि जो धारा लगा है, जो केस हुआ है, इसमें अधिकतम सजा की क्या प्रावधान है? इसमें तो एक सेक्शन है 467, इसमें आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास, 468 कूट रचना, 467, 468, 469, 471 ये कूट रचना से संबंधित है, गलत तरीके से पेपर को तैयार करना, सरकारी पेपर को तैयार करना, उसको सही रूप में इस्तेमाल करना, यह सब सेक्शन इसमें है 471-479 में। तो ये सब अगर ट्रू हो जाता है तो आजीवन कारावास भी हो सकता है, मैक्सिमम सजा होगा, मैक्सिमम, और ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए जिसको यह परवाह नहीं है कि हम गलत करें, लोक सेवा के उनको निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए, ऐसा नहीं करके वो पक्षपात करता है, कमाई का धंधा बनाए हुए है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गुंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, मोबाइल 7258
14055 और 9934234303। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने सेंट्रल बैंक की गली में मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में एबी मेडिकल के समीप। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया, एक्सक्लूसिव एंड मल्टी ब्रांडेड शोरूम। यहाँ ब्राइडल लहंगा, गर्ल्स लहंगा, फैंसी डिजाइनर साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी, विशाल, सुभाष, लक्ष्मीपति कॉटन साड़ी, कोरा कॉटन साड़ी समेत सभी तरह के ब्रांडेड साड़ियाँ एवं ब्राइडल लहंगा उपलब्ध है। आज ही आए और छूट का लाभ उठाए। मेंस कलेक्शन में अप टू 50% ऑफ। एक बार अवश्य पधारें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9341505229 9341505230।